पंचायत की सभापति और महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष जोगेश्वरी घनश्याम वर्मा के विवादित बयान के बाद सवर्ण समाज बेहद नाराज है, जिसे लेकर सवर्ण समाज और कई संगठनों ने जिले के अलग अलग थानों में जोगेश्वरी वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल बीते 13 नवम्बर को जोगेश्वरी वर्मा ने आरक्षण को लेकर बुलाए बंद के दौरान पथरिया इलाके में एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें जोगेश्वरी ने सवर्ण समाज और हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। विवादित भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जिले भर में सवर्ण समाज आंदोलन की तैयारी में है। वहीं सवर्ण समाज के लोगों ने AICC की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखकर कांग्रेस नेता जोगेश्वरी घनश्याम वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। 13 नवम्बर को जिला पंचायत सम्मानी जोगेश्वरी वर्मा द्वारा धार्मिक कराने की जो बातें कही गई है, इससे पूरा हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने देवी देवताओं, ब्राह्मण समाज के मानव आरोपों के विरुद्ध अपनी टिप्पणी की है, इससे यहाँ का माहौल खराब होगा। 13 नवम्बर को जो जोगेश्वरी वर्मा जी है, उसने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द उपयोग किए हैं, उसके खिलाफ में हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देवी देवता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्द कोई ना बोले। मामला दर्ज नहीं हुआ, इसमें भी विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें एक ज्ञापन सौंपा गया है थाने में। किस संबंध में है ये? कुछ धार्मिक भावनाओं को लेकर के है, जांच उपरांत जो होता है। और चलते